देख रहे हो चारों तरफ अभी भी फोग है। यहाँ पे फ्रूट के मजे हैं अफ्रीका में ना। नो इंग्लिश वो भी इसके पैरामीटर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। मॉर्निंग सलाम नमस्ते सत श्रीकाल की हाल चाल पहले को मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया। सुबह के हुए 6:30 और ये होटल था जिसमें मैं रुका हुआ था। तो आज हमारा जो है एवरी कोस्ट में दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। कल हमने इंटर किया था और अभी यहाँ से 120-130 किलोमीटर है। तो आज हम रास्ते में ही रुकेंगे यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से होटल से निकला हूँ, ये होटल पूरी ऐसी जगह पर है। अभिजान जो है कैपिटल नहीं है बट फाइनेंस कैपिटल है, सारी एम्बेसी वगैरह यहीं पे हैं। तो वहाँ पहुँचेंगे यार, आज भी चढ़ाइयाँ काफ़ी हैं, ऊपर नीचे वाला रास्ता है सारा, बस एक बार पहुँच जाएं। सुबह सुबह डिपार्टमेंट वाले सफाइयाँ तो अच्छे से करते हैं भाई, हमारी तरह फॉर्मेलिटी नहीं करते। सारे शहर में सफाइयाँ हो रही हैं। ये सिटी का नाम है अबोहिसो जिसमें मैं रात रुका हुआ था। आइसर का ट्रक है यार, धुंध देखिए कितनी हो गई है। इतनी धुंध में भी पसीना आ रहा है, पसीना पीछे से निकल रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी 100% है यहाँ पे। इन सब गाड़ियों में जो रबड़ होता है ना, वो रबड़ है पेड़ों से जो कार के लेके आए हैं ना डब्बे से, वो सब रबड़ भर के, और ये कोई रबड़ की फैक्ट्री होगी, इसके अंदर जा रहे हैं सब भाई साहब। गए अंदर, नौ बजने को हो गए हैं और आप चीज़ देख रहे हो चारों तरफ अभी भी फोग है। और ये फोग होती है हेमाटन बोलते हैं, हेमाटन जो कि हवाएं चलती हैं यूरोप से ठंडी हवाएं जो है उसके अंदर सैंड पार्टिकल मिल जाते हैं सहारा डेजर्ट के, और फिर वो ये ऐसे आ जाती है। तो ऐसा वेदर यहाँ पे 2-3 महीने तक ऐसा वेदर रहता है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये 3 महीने ऐसा वेदर रहता है यहाँ पे। यहाँ पे ही नहीं, बुर्किना फासो माली और ये गाबोन तक जाता है ऐसा वेदर, बिल्कुल काफ़ी इन कंट्रीज़ में 2 महीने बिल्कुल डंस। और ये इसके अंदर सैंड पार्टिकल होते हैं, ये फॉग नहीं है, इसके अंदर सैंड पार्टिकल होते हैं और वो बड़े मतलब इरिटेटिंग होते हैं, आपकी स्किन पे चिपक जाएंगे, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चिपक जाएंगे, तो बड़ा अजीब सा रहता है। और देखिए कितना पुराना बना हुआ पुल है, वो पुराना पुल था और नए पुल की भी हालत ऐसी है। ये देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, लगभग मैं जब से कंट्री में इंटर किया हूँ तब से ऐसा ही डेंस फॉरेस्ट है, मैंने अब तक प्लेन एरिया नहीं देखा है। अभी जान नहीं पहुंचूंगा भाई, रास्ते में रुक जाऊंगा कहीं, आसानी भी नहीं रुकूंगा रास्ते में, कोई रोड साइड ही ढाबे पे रुकूंगा। अभी यहाँ पे इतनी फोग सी है तो चला ही नहीं जा रहा, थोड़ा सा फोग ये थोड़ी कम होएगी तब निकलूंगा आगे, मतलब चल रहा हूँ स्लो चल रहा हूँ। और तो रास्ते में ही 60-70 किलोमीटर चल के रुक जाऊँगा। सुबह से चल के 30 किलोमीटर आ गया हूँ भाई। हाँ प्लांटेशन है यहाँ पे, रबड़ की प्लांटेशन बहुत ज़बरदस्त है, खेती बहुत ज़बरदस्त है। ये पाम ट्री की है, केला है, मक्की है और रबड़ भी, रबड़ का ट्री इतना मोटा मैं रेयरली देखने को मिलता है। और आपको जगह ये देखिए पानी इकट्ठा है अभी, ये इसके धीरे धीरे ये जम के ना और रबड़ बन जाएगा इसका। जन्नों को लठ के सारे लगाए मैंने, लठ तोड़ा यहाँ से। सुबह से अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट हम करेंगे 12 बजे के आसपास, अभी 10 बजे हैं, ब्रंच हो जाएगा फिर रास्ते में। अभी यहाँ से 30 किलोमीटर चलने के बाद में एक छोटा सा शहर दिखा रहा है, शायद वहीं रुकेंगे आज हम, ज़्यादा चलेंगे नहीं क्योंकि यार दोपहर बाद गर्मी बहुत हो जाती है, 12 बजे के बाद तो यहाँ चलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है ना। बच्चे खेल रहे हैं टन टन टन। ये कसावा का पाउडर बनाया हुआ है, पाउडर बना के उसको फर्मेंटेटेड करके सेल करते हैं।
साथ में झाड़ू बना के बेच रहे हैं और टमाटो सॉस। लो भाई बादल से हो गए और सामने मस्जिद आ गई है, कोई गांव आ गया है। छोटे छोटे गांव इस रूट पे आ ही रहे हैं लगातार। पेट्रोल पंप सुपर फ्यूल, पेट्रोल जो है 775 सिफा और डीजल जो है वो 655 सिफा। यू आर फ्रॉम मोरतानिया? हाँ, यहाँ पे भी मोरतानिया के लोग जो हैं वो दुकानें कर रहे हैं अपनी। तो रास्ते में मुझे पानी ख़त्म हो गया तो पानी लिया। हाउ मच? मर्सी। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ इस चेयर पे यार। ऐसा लग रहा है कोई ट्रक ट्रुक में आग लगी है, कपड़े जल रहे हैं। ओह माय गॉड, अनानास, वाह खुशबू जबरदस्त आ रही है यार इनकी, तो दिल कर रहा है खा लूँ, फिर चलेगा कौन। लो भाई दोनों को यहाँ पे रोका है और ये बहुत सारे अनानास पड़े थे। अनानास माता को बोला एक अनानास खिला दे तो वो काट के दे रही है। पता नहीं कितने पैसे लेगी, पैसे मैंने पूछे नहीं। तो अनानास खाते हैं आज। इतने अनानास देख के मेरा मन ही कर गया, देखिए कितने। थैंक यू। यस, मैं काटना सीख रहा हूँ। काट के इसको खाऊंगा। देख ये अनानास को काटना बड़ा मुश्किल काम होता है यार। नो नो फ्रांसिस, इंग्लिश यार। आई एम कमिंग फ्रॉम घाना। I'm going Abidjan. Then Morocco. Ah, Chiba. Ah, c'est Marocain. Me Indian. Indian. Yeah. Oh, d'accord. Me traveling whole world. Uh-huh. On the vélo. D'accord. Vélo. Oui, je vois. Mais tu veux qu'elle recherche? No English. ईमानदार देखिए लोग। मैंने 2000 का दिया था तो 1500 वापस भी दे दिए। मी टॉक कैमरा, हां कैमरा, वी आई टॉक विद दिस। ओह यस, आई सी। मी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। हां डॉक्टर, दैट इज फिल्मिंग। मीठा सा खा लिया हमने अनानास और यार यहाँ पे फ्रूट के मजे हैं अफ्रीका में ना, आप बस मजे हो जाते हैं। अब ये खेतों में से लेके आए होंगे, खेत में से उठा के अब एक जगह जहाँ पे कंडा लगा होगा वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ पे इकट्ठे होंगे ये। वहाँ से कंडे से फिर ट्रक आएगा, ट्रक लोड करके इसको फैक्ट्री में लेके जाएगा। एक भाई हैं वो इंडिया गए हुए हैं तो उनका रूम खाली पड़ा था तो मैं इसी में सो रहा हूँ, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ। आते ही मैं सो गया था, खाना खाते ही मुझे पता ही नहीं चला। तो भाई आज का वीडियो करता हूँ यहीं पे खत्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।